बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त चाइना और इंडिया की मुकम्मल तौर पर एयरफोर्सेस, उनकी फौजें आई बाल टू आई बाल पोजीशन पर खड़ी है, यानी मुकम्मल तौर पर आमने सामने आ चुकी हैं। और सूरत हाल ये है कि जब ये वीडियो बन रही है तो 29 जुलाई है और 30 जुलाई को तीसरे राउंड ऑफ कोर कमांडर की टॉक्स होने जा रही है 10 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और इससे पहले आप जानते हैं कि अर्लियर जो राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी वो 6 जून को हुई, 22 जून को हुई, और वो टोटली मुकम्मल तौर पर फेल हुई। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पहले चाइना की साइड पर ये टॉक्स हुई थी और अब ये चुशुल यानी इंडिया की साइड पर होने जा रही है। अब देखिए, कोर कमांडर की टॉक्स है, फोर्सेज आमने सामने आ चुकी हैं। सैटेलाइट इमेजेस जो बता रही हैं कि चाइना मुकम्मल तौर पर अंदर घुस चुका है और अंदर घुसने के बाद बड़े लेवल की कोई भी कहीं भी कोई झड़प, जंग या कोई महदूद पैमाने की लड़ाई किसी भी वक्त हो सकती है। आपको हकीकत टीवी ने बताया था कि इंडिया को 27 जुलाई को राफेल जेट्स मिलने जा रहे, पिछली वीडियो में तफसीली बता चुके हैं। इंडियन मीडिया ने वहां पर तूफान उठा दिया कि बस ये जंग किसी सूरत हाल, अब हम चाइना और पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। वो क्लिप तो आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब ये कोर कमांडर की बातचीत हो रही होगी, साथ साथ आगे इंफॉर्मेशन पास हो रही होगी जो कि मुकम्मल तौर पर ये भी नेक्स्ट भी फेल होगी, क्योंकि इंडिया अब थोड़ी बहुत पोजीशन लेना शुरू हो चुका है चाइना के आगे। पहले तो उन्होंने बिल्कुल ही हथियार डाल दिए थे, लेकिन अब अगर इंडिया कोई ऐसी डिमांड करता है या चाइना को कोई दिखाने की आंखें कोशिश करता है, जिस तरह मोदी ने कहा था कि आंखों में आंखें डालकर लड़ने का वक्त आ चुका है, उन्होंने मन की बात प्रोग्राम के अंदर कहा, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो आप ये समझ लीजिए कि जो इस वक्त चाइना और भारत की फोर्सेस, एयरफोर्स, उनकी रॉकेट फोर्स, ग्राउंड फोर्सेस जो आमने सामने आ चुकी हैं, ये मुकम्मल तौर पर आगे जाएंगी। अब सैटेलाइट की जो तस्वीरें बताती हैं कि चाइना इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे, हद तक अब जाकर कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, और अगर उसको कोई भी नुकसान पहुंचता है तो सूरत हाल ख़राब होगी। और दूसरी जानिब चाइना को भी नज़र रखे हुए, उसको भी पता है कि 27 जुलाई को इंडिया के पास 6 राफेल आने वाले हैं, और उसके बाद इंडिया ने पहला काम यही करना है कि उसने आंखें दिखानी है, धमकी देनी है, तो उससे पहले कोई ऐसा माहौल हम बना दें जिस पर इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। ये आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अहम क्लिप है इंडियन मीडिया का, जिससे आपको पता चलेगा कि वहाँ पर माहौल तो पूरी तरह उन्होंने जंग का बना दिया है, क्या पाकिस्तान और चाइना को हम किसी सूरत नहीं छोड़ने जा रहे। सुनिए जरा ये क्लिप। आपको बता देते हैं, राफेल फाइटर विमान दुनिया के आधुनिकतम, जी हाँ, दुनिया के सबसे मॉडर्न फाइटर जेट हैं। और ये देखते हुए कि एलओसी पर पाकिस्तान और एलएसी पर चीन की तरफ से कभी भी गुस्ताखी की जाती है, उस सिनेरियो में, उस कॉन्टेक्स्ट में ये खबर बहुत अहम। या चीन हो या पाकिस्तान, उनकी वायुसेना के लिए राफेल का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, यानी राफेल का आना देश की रक्षा के लिए बहुत बड़ी खबर है, देश के दुश्मनों के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है राफेल का आना, क्योंकि भारतीय वायुसेना की ताकत गुना बढ़ जाएगी और इसके लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना है। अगले महीने 6 राफेल विमान भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा कर देंगे। दुनिया का आधुनिकतम फाइटर जेट यानी कि राफेल, चीन हो या पाकिस्तान, उनकी वायुसेना के लिए राफेल का मुकाबला करना है बहुत मुश्किल। लक्ष्मण मिश्रा, राफेल 27 जुलाई 6 राफेल फाइटर जेट्स हिंदुस्तान को दिए जाएंगे, सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए, भारत के लिहाज से यह खबर इतनी अहम क्यों? देखिए, राफेल का आना तो पहले ही बहुत ज्यादा अहम था, क्योंकि भारतीय वायुसेना इस समय फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी से जूझ रही है। फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि लगभग 42 स्क्वाड्रन के लिए मंजूरी है चीन और पाकिस्तान दोनों से दो फ्रंट पर लड़ने के लिए, लेकिन इस समय फाइटर स्क्वाड्रन की तादाद 30 के आसपास पहुंचती जा रही है। उनमें से भी कई स्क्वाड्रन MiG-21 की है जो 40 साल 50 साल के लगभग पुराने हैं, कुछ जगुआर की हैं जो लगभग 45 साल पुराने हैं, तो इसलिए राफेल का आना तो वैसे भी ज़रूरी था। लेकिन इस समय हालात और ज़्यादा क्रूशियल हैं, क्योंकि भारतीय और चीनी सेनाएँ इस समय आमने सामने खड़ी हुई हैं। चीनी वायुसेना को अगर आप कंपेयर करें तो उनके यहाँ भी, चीनी वायुसेना में भी बहुत सारे जहाज़ J-8, J-9, J-10 तक हैं जो कि पुराने हैं, लेकिन उनमें दो तीन फाइटर जेट सेट्स हैं जो वाकई फ़र्क पैदा कर सकते हैं, जैसे J-20 स्टिल्थ फाइटर जो उन्होंने डेवलप किया है, और Su-35 जो 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट आप उसे मान सकती हैं जो उन्होंने रूस से लिया है। Su-35 के मुकाबले में भारतीय Su-30 एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसकी कई खूबियां Su-35 की ऐसी हैं कि वो Su-30 जो भारतीय वायुसेना को उस पर भारी पड़ता है,
लेकिन अगर रफाल भारतीय वायुसेना में आता है तो वो जो एज, छोटी सी एज चाइनीज एयरफोर्स, जो पीएलए की एयरफोर्स है, वो जो भारतीय वायुसेना के ऊपर हासिल कर रही थी, वो नहीं मिलेगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।